फैजाबाद सुल्तानपुर बॉर्डर के बीच में जमौली के पास हनुमानगढ़ी महंत बाबा राजूदास जी महाराज से इंडिया समाचार से खास बातचीत हुई। उन्होंने बताया कि योगी सरकार लगातार आवारा पशुओं के लिए हर संभव व्यवस्था कर रही है, जिसमें गरीबों को नुकसान ना हो और उन्हें कोई परेशानियों का सामना ना झेलना पड़े। आगे की जानकारी के लिए चलते हैं अपने संवाददाता पंडित SP भट्ट की खास रिपोर्ट पर। जमौली के बॉर्डर पे बाबा राजूदास जी हमारे साथ हैं। बाबा जी आपका स्वागत है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप यहाँ से निकल रहे थे किस कार्यक्रम करके बाबा जी? यहाँ आपके पास में ही पटना सुल्तानपुर में एक दंगल का आयोजन। अच्छा। उस दंगल आयोजन में मैं आया हुआ था। दंगल कमेटी के बहुत अच्छे लोग हैं जिन्होंने ऐसे कार्यक्रम का आयोजन किया, जो कुश्ती जो हमारी ज़मीन से जुड़ी हुई है। खेल क्या है कि आप देखिए कि जो ओरिजिनल खेल हम लोगों की है वो ज़मीन से जुड़ी हुई, मिट्टी से जुड़ा हुआ कुश्ती। और उससे क्या है कि व्यक्ति जब सवेरे उठेगा, दौड़ेगा, खेलेगा, कूदेगा, व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। और कुश्ती विलुप्त तो होने की कगार पर है, लेकिन मैं साधुवाद दूंगा इन लोगों को जिन्होंने कुश्ती का आयोजन किया। और हमको आने के बाद और भी अपार हर्ष हुआ कि बहुत दूर दूर से इन्होंने पहलवानों को बुलाया है, मतलब बहुत अच्छे अच्छे पहलवानों को इन्होंने बुलाया और सबकी कुश्ती ये करा रहे हैं। बाकायदे जो इनाम होना चाहिए बाकायदे इनाम भी दे रहे हैं, तो ढेर सारा इनको स्नेह आशीर्वाद इसी कार्यक्रम में आया हुआ। आप भी पहलवान हैं, इसके बारे में आप कहते हैं? नहीं, हमने कहा कि क्यों हम लोग ज़मीन से जुड़े हुए हैं, मिट्टी से जुड़े हुए हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से आम नौजवानों से निवेदन यही करूँगा कि व्यक्ति सुबह उठने के बाद थोड़ा बहुत खेल कूद करे, मेहनत करे, जिससे व्यक्ति जब स्वस्थ रहेगा तो समाज स्वस्थ होगा, देश स्वस्थ होगा, यही कहना। अच्छा, गौ रक्षा के बारे में आप क्या कहते हैं? नहीं, गौ रक्षा के बारे में लगातार माननीय मुख्यमंत्री योगी जी महाराज से हमारी चर्चा पर चर्चा होती रहती, क्योंकि महाराज जी ने पूरे प्रदेश में जिस प्रकार से गौ संरक्षण संवर्धन के लिए योजना रचना चलाई है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से अधिकारियों को भी अल्टीमेटम देना चाहूँगा कि अधिकारी मन से काम नहीं करते। जिस प्रकार से छुट्टे जो पशु हैं, गौएं हैं, ये घूमा करती हैं, अगर अधिकारी चाहे, यहाँ के लोकल स्तर पे जो प्रशासन और प्रशासक चाहे, ये लोग हमारे किसानों को नुकसान नहीं करेंगे। तमाम जगह गौशाले बनाए गए हैं, जो लोग जिम्मेदार व्यक्ति हैं उसको पकड़ कर उस गौशाले में करें। और लगातार जो गौशाला बनी है उसमें बाबा जी जानवर रहते नहीं, उसके बारे में क्या कहना है योगी जी से? आगे दरखास्त करना चाहते हैं, बारे में बताइए। नहीं नहीं, मैं जनता परेशान। नहीं नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं लगातार जब भी मिलता हूँ, मुझको लगता है 15 दिन में एक भी तो मुलाकात माननीय मुख्यमंत्री जी से हो ही जाती है, तो तब भी मैं ज़रूर एक बार किसानों की हक की, किसानों की बात को रखता हूँ कि किसान जो है जानवरों से बहुत परेशान है। इसके नाते महाराज जी व्यवस्थित व्यवस्था इनकी होनी चाहिए। महाराज जी ने लगातार हर एक गाँव में, हर एक जगह जो जिम्मेदार लोग हैं, मतलब हर एक ज़िले में 4-4, 5-5 गौशाले, बड़े बड़े गौशाले बनाए जा रहे हैं। तो इस पे योजना, इस पे रचना, इस पे काम चल रहे हैं। नई योजना तो बनी हुई, बाबा जी गौशाला बने हुए हैं, लेकिन वहाँ के अधिकारी लापरवाह हैं। नहीं, मैंने आपके चैनल के माध्यम से कहा तो कि जो लोग भी जिम्मेदार हैं वो अपनी जिम्मेदारी को समझें, नहीं तो योगी जी किसी को बकसते नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी, बहुत बहुत साधुवाद।